इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बेस्ट प्राइस में बेस्ट ग्रीन स्क्रीन कौन सा है। ठीक है, तो मैं फ्लिपकार्ट से एक्चुअली ऑर्डर कर चुका हूं, तो ये इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं मैं और ये मेरे फर्स्ट अनबॉक्सिंग है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं आपको कंप्लीट सेटअप, तो अब मैं आप लोगों को ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके बताता हूं। ठीक है, आप लोग पीछे देखिए रिमूव हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग रिमूव कर सकते हैं और बहुत टाइप की ग्रीन स्क्रीन अवेलेबल है मार्केट में, आपको जो पसंद है आप उस टाइप का ग्रीन स्क्रीन ले सकते हैं। ये बजट रेंज में आपको एक्सपेंसिव जाना है, थोड़ा एक्सपेंसिव लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं ग्रीन स्क्रीन का। जी हाँ यार, मैं फ्लिपकार्ट पे ना कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था और ये अब आ चुका है यार। 410 रुपए में मैं इसे लिया हूं और 410 रुपए में ये बेस्ट ग्रीन स्क्रीन है। तो एक्चुअली मैं इसे फाड़ के देख चुका हूं, बट और यार फाड़ा इसलिए ना क्योंकि फ्रॉड बहुत होते हैं, तो मुझे लगा है या नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फाड़ के देख लिया। और ये फर्स्ट अनबॉक्सिंग है मेरा, तो कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए इसे जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सब ये तो वैसे फड़ा हुआ, मैं इसे 410 रुपये में लिया हूँ। ठीक है, और 410 रुपये में ये बेस्ट ग्रीन स्क्रीन है। तो जब आप इसे फाड़िएगा उसके बाद फिर फ्लिपकार्ट से मैं ऑर्डर किया हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से ये एक कैरी बैग में आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बैग है और यहाँ पे चेन है, तो मैं इसके चेन को सबसे पहले तो खोलता हूँ। और यार क्वालिटी कपड़ा का बिल्कुल ही मस्त है। ठीक है, और मैं आप लोगों को ग्रीन स्क्रीन अभी लगा के दिखाऊंगा यहाँ पे। एक्चुअली जिनको पता नहीं है ये ग्रीन स्क्रीन होता क्या है, ग्रीन बैकड्रॉप मतलब ये ग्रीन जो पर्दा है वो क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली यूज करते हैं हम लोग बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड में किस टाइप का बैकग्राउंड है, ये पर्दा है, तो मैं भी आप लोग को यूज करके दिखाऊंगा, यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा, कंप्लीट बैकग्राउंड में चेंज करके दिखाऊंगा। अभी मैं यहीं पे रहूंगा लेकिन बैकग्राउंड मेरा चेंज होते रहेगा। तो यार ये है वो ग्रीन स्क्रीन, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना बड़ा है। और यार ये पट्टी लगा हुआ है व्हाइट कलर का, इसको आप ये मत समझिएगा ये चिपकाने के लिए, ये चिपकता नहीं है, बस पट्टी आई थिंक सिलाई इसका जाए नहीं इसलिए। तो ये इसका जो विड्थ है वो है 8 फीट एंड हाइट 12 फीट है, 8x12 फीट। और कंप्लीट डिटेल्स के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, फ्लिपकार्ट से मैं ऑर्डर किया हूँ तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो आपको पूरा पता नहीं चलेगा कि ये कितना बड़ा है, बट मैं अभी जस्ट यहाँ पे जब लगा दूंगा तो मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में मैं बताऊंगा कि ये कितना बड़ा है कैसा है, बट अभी मैं आप लोगों को जस्ट एक आइडिया आप लोग को लग जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यार, ये है वो बैकड्रॉप। एंड अब मैं इसे जा रहा हूँ माउंट करने, वहाँ पे सॉरी माउंट नहीं कर रहे हैं, ये कोई ट्राइपॉड नहीं है, तो मैं यहाँ पे फिक्स करने जा रहा हूँ, सेट करने जा रहा हूँ तब तक इसको, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ सेट करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को ग्रीन बैकग्राउंड चेंज करके बताऊंगा। तो मैं उसे पूरा ओपन कर चुका हूँ, मैं आप लोग को यहाँ से आइडिया आप लोग को लग जाएगा कि ये कितना बड़ा है ये आप। तो मैं पूरा फिक्स करता हूँ। ठीक है, पहले तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट सेटअप कर चुका हूँ ये ग्रीन स्क्रीन का। तो आप लोग को इसी तरीके से सेट करना है, मैं आप लोगों को विड्थ और हाइट का आइडिया दे देता हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हैं हाइट इतना ही है तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं उतना और हाइट है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे नीचे यस, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका हाइट कितना है। एंड मैं विड्थ का आइडिया दे देता हूँ, उधर तो आप लोग को नजर आ रहा है, बट आई थिंक आइडिया आप लोग को लग गया होगा कि इसका विड्थ कितना है। ठीक है, तो वैसे विड्थ 12 फीट है, विड्थ 8 फीट है, हाइट 12 फीट है। ठीक है, एंड इस तरीके से आप लोगों को सेटअप करना है और कैमरा के सामने इस तरीके से आके आप लोगों को जो वीडियो बनाना है वीडियो बनाना होता है, उसके बाद ग्रीन स्क्रीन रिमूव होता है। ठीक है, और ये ग्रीन जो है सो पूरा हट जाएगा और जो भी आप बैकग्राउंड में वीडियो लगाना चाहें या फिर पिक्चर लगाना चाहें, आप अमेरिका जाना चाहें जहां भी जाना चाहें, तो ग्रीन स्क्रीन का इस तरह से लगता है और ग्रीन स्क्रीन बाद में रिमूव हो जाता है क्रोमा की के हेल्प से। तो बहुत सारे एडिटर हैं, सॉफ्टवेयर हैं जिसका यूज करके आप लोग बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो यार ये ग्रीन स्क्रीन बेस्ट है भाई, मतलब मैं फर्स्ट बार ग्रीन स्क्रीन जो है सो ऑर्डर किया हूँ फ्लिपकार्ट से। और इसका जो प्राइस है मैं बता चुका हूँ बट फिर बता देता हूँ, 410 रुपये का ये, एंड मस्त है। मैं आप लोगों को अभी बैकग्राउंड रिमूव करके बता रहा हूँ। ठीक है, बताऊंगा अभी जस्ट फिर से बताऊंगा बैकग्राउंड रिमूव करके। और यार अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करते हैं, तो मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ही, मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
लेकिन अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही अनबॉक्सिंग आने वाले हैं और सारे गैजेट से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड कंपैरिजन मैं करता हूँ, रिव्यूज करता हूँ। और यार कंपैरिजन का वीडियो ना आई थिंक मेरे चैनल पे सबसे पहले आते हैं। हाँ वो मोबाइल नहीं होता, बट मुझे पता होता है सब डिटेल्स में, मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ। तो आप लोग अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स बहुत सारे मैं अपलोड करता हूँ, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो गाइस अभी मैं आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करके बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड किस टाइप से रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, और बहुत सारी ग्रीन स्क्रीन अवेलेबल है। आपको जो पसंद आता है, ज़्यादा बजट में जाना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा बजट पे भी जा सकते हैं, बट ये जो ग्रीन स्क्रीन है ना, ये ग्रीन स्क्रीन बजट रेंज में आता है लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।